दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ने सुना होगा कि एआई सिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, यहाँ पे आप सोचते होंगे कि ये होता क्या है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, आज के टाइम में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और आगे चलकर इसके क्या फ्यूचर स्कोप हो सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनी, आप देख रहे टेक टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की सोचने की शक्ति होती है जो कि हम मशीन के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे इंसान अपने डिसीजन ले सकता है, वैसे मशीन भी अपने डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पे इसे हम इस्तेमाल करते हैं मशीन के अंदर ताकि वो अपने डिसीजन ले पाए, क्या सही है क्या गलत है वो सोच पाए। तो यहाँ पे अगर हम एक जगह पे कंप्यूटर रखेंगे या फिर एक जगह पे इंसान को रखेंगे, तो यहाँ पे कंप्यूटर बड़े बड़े टास्क परफॉर्म कर देगा, जैसे कि बड़े बड़े कैलकुलेशन से यहाँ पे मून या सैटर्न का डिस्टेंस का पता लगा लेगा सेकेंड्स में। पर इंसान ये नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थोड़ा स्लो है, कंप्यूटर जितना फास्ट तो नहीं कैलकुलेशन में, पर इंसान जो कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। इंसान अपने डिसीजन खुद से ले सकता है, क्या उसके लिए सही है, क्या उस कंडीशन में उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सोच सकता है। तो यही एबिलिटी को अगर हम कंप्यूटर में डाल दें तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि एक हॉलीवुड मूवी का एग्जांपल ले लेते हो। आपने आप में से सही कई सारे लोग ने देखे रहेंगे आयरन मैन मूवी। तो यहाँ पे आयरन मैन मूवी में आपने जारविस का नाम सुना ही होगा, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल है। वो एक वॉइस असिस्टेंट है, तो वो भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हुआ। तो यहाँ पे आप में से कई सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करते रहेंगे या फिर आईओएस फ़ोन भी यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको गूगल असिस्टेंट मिलता है, एप्पल में सीरी मिलता है, और भी स्मार्टफोन है जिसमें आपको अलग अलग असिस्टेंट मिलते हैं। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है। और आपने अलग अलग होम डिवाइसेस देखे, जैसे गूगल का होम हो गया, अमेजोन एलेक्सा हो गया, जो कि वॉइस असिस्टेंट है जो आपके काम को थोड़ा ईजी कर लेता है। यहाँ पे आप अगर कोई रिमाइंडर सेट करना चाहते हो तो सिर्फ आपको बोलने की जरूरत है, वो टास्क परफॉर्म करते जाएगा। आपको कुछ चीज़ें सर्च करनी है ऑनलाइन तो उसके बारे में वो बता देगा, या फिर आपको कुछ बुक करना हो, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो इससे आपको बोलने की जरूरत है, वो सारे टास्क अपने आप ही परफॉर्म कर देगा। यहाँ पे काफी सारे रिसर्चेस चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। यहाँ पे सबसे बड़ी रिसर्च चल रही है सेल्फ ड्राइविंग कार को लेके। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, वो सेल्फ ड्राइविंग कार को टेस्ट कर रहे हैं और उसको डे टू डे इम्प्रूव करते जा रहे हैं ताकि वो अपने डिसीजन खुद से ले पाए और उसे डेवलप कर पाए। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वहाँ पे मशीन लर्निंग का भी कंसेप्ट निकलता है, जहाँ पे मशीन को हम एक मशीन को सिखाएंगे तो मशीन एक दूसरे को सिखाते रहेगी। अब बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत हमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में लगेगी। अगर हम किसी इंसान को काम करने के लिए बैठा दे तो ज़्यादा ज़्यादा 12 घंटा, 24 घंटा या फिर 2 दिन ज़्यादा ज़्यादा काम कर पाएगा, नहीं तो फिर उसको आराम की जरूरत पड़ती है और इंसान थक जाता है और काफ़ी स्लो भी है। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे काम जल्दी जल्दी भी होगा और ये काम कभी रुकेगा नहीं। सब मशीन करेंगे, मशीन अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ें कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितना क्वांटिटी की ज़रूरत है सामान की, तो उसके बारे में ये लोग जानकारी भी रखेंगे, डेटा भी एक तैयार होगा। तो यहाँ और पे बात कर मैं लेते हैं आपको टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। तो यहाँ पे 3 तरह के एआई होते हैं, एक होता है वीक एआई, एक होता है स्ट्रॉन्ग एआई और एक होता है सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पे जो वीक एआई होता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ही बोलते हैं, जहाँ पे मशीन सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करने में ही माहिर हो, जैसे कि वो चेस सबसे अच्छा खेल सकता है या फिर वो कैलकुलेशन सबसे अच्छा कर सकता है, तो उसको हम वीक एआई कहेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग एआई, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल वाइड इंटेलिजेंस भी कहेंगे। तो यहाँ पे ये मशीन इंसान की तरह सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, ये सब कर सकता है आर्टिफिशियल वाइड इंटेलिजेंस। और यहाँ पे जो तीसरा टाइप है वो है सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी वैसे तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे मशीन इंसानों के ऊपर सोच सकता है और यहाँ पे दूसरे को सिखा भी सकता है मशीन, यहाँ पे इंसानों से ज़्यादा सोच सकता है ये। तो यहाँ पे ये कहीं कहीं पे इंसानों को नुकसान भी पहुँचा सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए। पर इसके लिए वो लोग ने सोल्यूशन ढूंढा है कि कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे चिप डेवलप करेंगे ताकि वो इंसानों को ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। तो सर, मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया मिल गया रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अगर आपको और भी मन हो जानने का तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। वहां मैंने एक रोबोट के बारे में बताया जिसका नाम है सोफिया, ये एक एआई बेस्ड रोबोट है। यहाँ पे इसे डेवलप किया है हांगकांग की कंपनी जिसका नाम है हैंगसन रोबोटिक्स। यहाँ पे एक और कंपनी है ब्रेनव्यू नाम की, जो कि सेमिनार कंडक्ट करती है रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और मशीन लर्निंग के बारे में, ऐसे सब चीजों के बारे में सेमिनार कंडक्ट करती है। तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने को मिले और साथ ही साथ उन्हें भी टेक के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिले। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।